हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी लाइफ होगी सुपर से ऊपर और आप सब अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं सरिता और बहुत बहुत वेलकम करती हूं आप सबका रांची ब्लॉगर सरिता में। तो सुबह सुबह का टाइम है और यहां पे मैं पौधों में दे रही हूं पानी और इतने ज़्यादा अभी सूख जा रहे हैं पौधे कि मैं क्या ही बताऊँ। सुबह शाम दोनों टाइम पानी डालना पड़ता है, फिर भी सूख जाते हैं और बिल्कुल मिट्टी उड़ने लगती है इसमें से सूख कर। तो इसमें पानी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अभी दो टाइम, तो दोनों टाइम मैं डाल रही हूँ, नहीं तो फिर मुरझाने लगते हैं। बिल्कुल ही लगता है कि जैसे बिना पानी के बेचारे सूख जाते हैं, तो इसलिए दो टाइम पानी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अभी। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैं बना रही थी आज खाने में छोले, जो वाइट वाले छोले वो आते हैं वही मैं बना रही थी आज। तो इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए आपको पूरा प्रोसेस नहीं दिखा रही हूँ। और जब तक मेरे छोले उधर फ्राई हो रहे थे, तब तक मैंने कंबल को लगा दिया था धोने के लिए, क्योंकि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं और मैंने अभी तक कंबल अपने रखे नहीं थे। तो मैंने फाइनली सोचा कि नहीं, अब बारिश वारिश आने वाली है नहीं, तो अब इनका कोई काम नहीं है, तो इन्हें मैं धो कर रख देती हूँ। और पहले तो मैं हाथ से धोती थी, लेकिन अभी मैंने ये टेक्निक सीख ली है वॉशिंग मशीन में धोने की, तो मेरी सेमी ऑटोमेटिक है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा आराम से ये कंबल धुल जाते हैं। तो पिछले साल भी मैंने इसी तरह धोए थे और इस साल भी मैं इसी तरह से धो रही हूँ, और इस तरह से धोने बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा पोर्शन बाहर रखा है, बाकी पूरा इसमें अच्छे से धुल रहा है। और जब इधर का हो जाएगा, उसके बाद मैं बाकी का पोर्शन इधर डाल दूँगी और उसको निकाल लूँगी। तो इस तरह से बहुत अच्छे से कंबल धुल जाते हैं और बहुत ज़्यादा आराम हो गया है। मुझे नहीं तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी कंबल धोने के लिए, तो मैं 10 दिन पहले से सोचती थी कि अरे कंबल धोना है, लेकिन अब ड्राई क्लीनिंग में देने की या धोने की जो भी मेहनत है वो सारी मेरी अब बच जा रही है। मैं आराम से यहीं से धो लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए, मेरे छोले हो चुके हैं बिल्कुल तैयार और बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बने थे ये छोले। और इसे हम लोग खाएंगे चावल के साथ, तो इसलिए मैंने बहुत सारी ग्रेवी रखी है इसमें। जब रोटी के साथ खाते हैं तो कम ग्रेवी होती है, लेकिन जब चावल के साथ खाते हैं तो मैं ज़्यादा ग्रेवी रखती हूँ। तो बस यहाँ पर गया धनिया पत्ता और बहुत ही टेस्टी हमारे छोले तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थाली लग चुकी है दोपहर के खाने की, और इसमें है चावल, छोले, दही, सलाद और पापड़। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए यम्मी टेस्टी खाना। और अभी तो सलाद और दही बिल्कुल मस्ट है, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो सलाद और दही बिल्कुल खाने में होना ही चाहिए। और उसके बाद खाना वाना खाने के बाद, बच्चों को स्कूल से लाने और उन्हें खिलाने के बाद, हम लोग चल पड़े थे बैंक की तरफ, क्योंकि बैंक में था कुछ काम। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से तैयार हुई मैं, और उसके बाद हम लोग चल पड़े बैंक। और इतनी कड़क धूप थी बाहर की मैं क्या बताऊं, लेकिन रांची के आसमान में तो धूप रहती है, फिर भी बादल लगे रहते हैं। तो ये देखिए व्यू, और ये जगन्नाथपुर रोड की व्यू है। और बैंक में बहुत ज़्यादा हम लोगों को टाइम लग गया, लगभग 2-3 घंटे लग गए। उसके बाद फिर हम लोग चल पड़े अब घर की तरफ वापस। और घर आते आते हमने लिए थे समोसे, क्योंकि बच्चों को समोसे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो हमने सोचा कि चलो घर चलते हैं तो समोसे लेते चलते हैं। और मैंने मन ही मन प्लान बना लिया था कि आज बनाएंगे समोसा चाट। तो बस समोसे लेकर हम लोग चल पड़े घर की तरफ, और बच्चे तो हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे घर पे। और देखिए, घर पे आने के बाद संध्या आरती वगैरह मैंने दिखाई, चाय वाय पी, और उसके बाद मैं बना कर देने लगी बच्चों को समोसा चाट। और यहाँ पे जो चटनी हरी वाली और लाल वाली तो समोसे के साथ ही मिलती है, और यहाँ पे जो मैंने छोले बनाए थे तो बस उन्हीं छोलों को मैंने गर्म किया, बचे हुए थे छोले, और उस पर डाली लाल चटनी, उसके बाद हरी चटनी, थोड़ा सा दही और प्याज मैंने कट कर लिया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये चाट बनती है जो घर में हम बनाते हैं। वैसे बाहर में भी अच्छी लगती है टेस्टी चाट, बट ये जो घर वाली है उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है और ज़्यादा यम्मी लगती है ये। और उस पर मैंने डाला था थोड़ा सा सॉस और थोड़ा सा चाट मसाला। और थोड़ी सी नमकीन और थोड़ा सा प्याज डाल के मैंने इसे कर दिया गार्निश, और ये हमारा फाइनल चाट तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था फ्रेंड्स।
और हम तो रात में यही खाकर हम लोग रह गए क्योंकि इतना ज़्यादा पेट भर चुका था कि और कुछ खाने का मन ही नहीं हुआ। हमारा खाना हमने बनाया ही नहीं, बस यही एक एक प्लेट खाकर हम लोग बिल्कुल मस्त हो गए। और आइए फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए हमारे साथ ये यम्मी एंड टेस्टी चाट, समोसा चाट। और ट्विंकल के मुँह में तो बिल्कुल पानी आ रहा था देखकर कि जल्दी जल्दी मम्मी बनाइए खाना है, और मैं फटाफट से उसे बनाकर दे रही थी क्योंकि चार जन हैं हम लोग हैं, तो मैंने चार अलग अलग प्लेट लगाई थी। और फिर बच्चों को तो समोसा चाट, समोसा वैसे भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है और चाट बन जाए उसकी तो कहनी ही क्या। और ये हमारा समोसा चाट। समोसा चाट आप भी खा करें क्या? और इस तरह से सबको एक एक प्लेट मैंने पकड़ा दी थी और सबको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी, बहुत पसंद आई सबको। और आदर्श बोल रहा था कि मम्मी फिर से बनाइएगा, बाहर जो हम लोग खाते हैं उससे ज़्यादा ये टेस्टी है। तो मैंने बोला कि ठीक है फिर से बना देंगे, लेकिन ये रोज़ रोज़ खाने की चीज़ नहीं है, कभी कभार ही टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ सभी इंजॉय कर रहे थे अपना समोसा चाट और उसके बाद मैंने भी अपनी एक प्लेट लगा ली थी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये छोटी सी वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।